नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। सो ये बहुत बड़ा सवाल है, आप लोग मेरे से Instagram पे काफ़ी लोग पूछ चुके हैं, टेलीग्राम पे भी पूछ चुके हो कि सस्पेक्ट लिस्ट में अगर नाम हो तो क्या करना है, अगर नाम नहीं हो तो क्या करना है। दोनों चीज़ें हैं आप लोग के दिमाग में। नाम ना होगा मतलब जैसे कुछ लोगों का सस्पेक्ट में डेटा है, मान लो कुछ मिसमैच हो रहा है या कुछ भी हो रहा हो, लेकिन जब वो सस्पेक्ट लिस्ट अपने जिले की चेक कर रहा है तो उसमें उनका नाम नहीं है। और कुछ लोग के डाउट है अभी भी कि सर सस्पेक्ट लिस्ट तो हम चेक कर ले रहे हैं, वहाँ दिख भी रहा है मेरा नाम, तो अब मुझे क्या करना है, ये बहुत बड़ा सवाल है। सो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपके डाउट में क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना, बने रहना, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि मैं सारी चीजें डिटेल में समझाता हूं। सो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले वीडियो को सारे लोग लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको ऑथेंटिक अपडेट पानी यूपी स्कॉलरशिप की, तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लो। अब चलते हैं अपडेट की तरफ। तो पहले हम लोग वो चीज़ कवर करेंगे, उससे पहले देखिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि छात्रवृत्ति देखिए कल के डेट में भेजी गई है, काफ़ी लोगों की भेजी गई है। एक घंटे पहले की कमेंट आप लोग देख सकते हो कि इनका 1000 रुपये 12th का आ गया है, क्लास 12th में SC कैटेगरी की, ये देख लीजिए। उसके अलावा और आपको इसी कमेंट के नीचे आप देख लीजिए, सर मेरी स्कॉलरशिप आ गई 62000 रुपये, ये भी इनकी भी आ गई। और आपको दिखाता हूँ एक दो, इनकी भी देखिए मेरी स्कॉलरशिप आ गया है सर, MA सेकेंड ईयर की इनकी स्कॉलरशिप आई, इनकी भी स्कॉलरशिप आई है। तो काफ़ी लोगों की स्कॉलरशिप देखिए भेजी गई है, मेरा आ गया 8000, इनका भी देखिए क्या बोलते हैं इनका, इनको दूसरी किस्त कब है वो उसकी पूछ रहे हैं। तो काफ़ी लोगों की छात्रवृत्ति भेजी गई है। PFMS पे भी अब छात्रवृत्ति शो होने लगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको मैं दिखा देता हूँ अभी आपको एक प्रूफ। तो PFMS पे भी देखिए इस तरह से आपकी छात्रवृत्ति शो होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रेडिट हुआ है 22 फरवरी को और बैंक ट्रांजेक्शन 21 फरवरी को। मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ कि जो PFMS पे छात्रवृत्ति होती है वो 1 से 2 दिन पहले शो होती है और आपके खाते में उसके कुछ दिन बाद आती है, मतलब एक दिन बाद आती है। तो इनका आप डेट देख सकते हो 33180 रुपये भेजे गए हैं, 21 तारीख को ट्रांजेक्शन मतलब PFMS पे हुआ है और 22 को एक्चुअली खाते में आया और यहाँ सक्सेस है। तो PFMS पे जिसने अभी तक छात्रवृत्ति अपनी चेक नहीं करी, तो आपको PFMS पे तुरंत छात्रवृत्ति, इसी वीडियो को यहीं पर रोकिए और PFMS अपनी छात्रवृत्ति चेक कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों की छात्रवृत्ति भेजी गई है कल की डेट में भी। अब वो कैसे चेक करें वो हम बता देते हैं, उसके बाद हम लोग वो सस्पेक्ट वाली पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको PFMS पे छात्रवृत्ति चेक करने के लिए अपने मोबाइल फोन में आपको ये वेबसाइट जो आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको इसको सर्च कर लेना है upscholarships.org। आपको यहाँ पर लिंक दिखाई देगी यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2022-23, आपको बस इसको ओपन कर लेना है। अब आप जब इसको ओपन करोगे तो आपको नीचे स्लाइड डाउन करना है, यहाँ पर आपको देखिए लिंक मिल जाएगी इजीली, मतलब आप PFMS पे जैसे छात्रवृत्ति जैसे हमको देखनी होगी, तो यहाँ पर देखिए आपको एक लिंक दिखाई दे रही होगी यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस ऑन PFMS। ये लिंक आपको जो दिखाई दे रही है, सिंपल आपको बस क्लिक हेयर करके इसको ओपन कर लेना है, यहाँ पर आप इजिली ओपन कर लेंगे इसको। और उसके बाद आप जब PFMS का पेज खुल के आ जाएगा, वहाँ पर जो है कि आपको ये सारी चीज़ें देख लेनी है। तो अब आपने PFMS पे छात्रवृत्ति अपनी चेक कर ली, अगर आपका कुछ इस तरह से शो हो रहा है सक्सेस करके, यहाँ पर कोई अमाउंट दिख रहा होगा 23-22 करके, तो आपको कमेंट करके बताना है, इसका मतलब आपकी छात्रवृत्ति क्रेडिट हो गई है, या आपको कोई भी समस्या यहाँ आ रही है तो आप कमेंट करके बताएं आपका यहाँ क्या शो हो रहा है। अगर छात्रवृत्ति आई है तो अपना कोर्स, अपनी कैटेगरी और आपका कौन सा मतलब ईयर है, सारी चीज़ें आप कमेंट में लिख के बताएं, ताकि बाकियों की हेल्प हो जाए। अब हम लोग चलते हैं उस वाले सवाल पर कि सस्पेक्ट वालों का क्या होगा, कैसे होगा, उस पर अब हम लोग बात कर लेते हैं लाइन से। तो देखिए पहले तो मैं ये आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी सस्पेक्ट और करेक्शन वाले स्टेटस भी बदलना शुरू हो गए हैं। मैंने आपको कल की वीडियो में कुछ प्रूफ दिखाए थे और आज भी दिखाता हूँ आपको, यूपी बोर्ड, ICSE बोर्ड वाला, इनरोलमेंट वाला, मार्क्स मिसमैच, ये सारे वेरीफाई होना शुरू हो गए और रिजेक्ट होना भी शुरू हो गए। ये भी आप लोग ध्यान से सुनिए, रिजेक्ट कैसे, अगर आपने प्रूफ नहीं सबमिट किए, वो मैं आपको ऑलरेडी कल शाम की वीडियो में बता चुका हूँ, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं ये लोग। अब इनका आप देख लीजिए स्टेटस, ध्यान से देख लीजिए इनका, शशिकांत सिंह जनरल कैटेगरी बैचलर ऑफ लॉज 3 साल का। तो इनका पहले स्टेटस था यूपी बोर्ड, ICSE बोर्ड, ये सारा चीज़ आप लोग देख लीजिए। अब इनका स्टेटस देखिए ये 1 मार्च को जो है, यानी कि कल की डेट में वेरीफाई हो गया है। तो यूपी बोर्ड, ICSE बोर्ड वाले स्टेटस भी वेरीफाई होना शुरू हो गए हैं। ऐसे मैंने कल आपको वीडियो में दिखाए थे मार्क्स मिसमैच वाला स्टेटस भी वेरीफाई होना शुरू हो गया है। तो स्टेटस चेंज होना शुरू हो गए हैं, वो ऑलरेडी हो रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि 15 मार्च तक सभी के हो जाएंगे। 10 मार्च क्यों नहीं है वो आपको मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ, तो वो चीज़ आपको उसमें देख लेनी है। तो ये चेंज होना शुरू हो गए हैं। एक और देख लीजिए इनका भी, देखिए कल की डेट में 1 मार्च के डेट में इनका भी सस्पेक्ट से चेंज हो गया है। अब यहाँ पर आप जो स्टेटस देख रहे हो इसको बड़ा ध्यान से आपको देखना है, इसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। अब रीजन देख लीजिए ध्यान से आप लोग, इसका रीजन रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड 8 मार्क्स मिसमैच सस्पेक्ट मार्क्स परसेंटेज बिलो 35% रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड मार्क्स मिसमैच। देखो इनका पहले स्टेटस था मार्क्स मिसमैच और रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड अटेंडेंस परसेंट, या जो भी मतलब मार्क्स मिसमैच था बेसिकली और रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड। तो इन्होंने प्रूफ नहीं सबमिट किए DW मतलब कॉलेज में ले जाके,
उसकी वजह से देख लीजिए इनका कल की डेट में रिजेक्ट कर दिया गया। सो जितने लोग भी आप लोग हल्के में ले रहे हो, आप लोग प्रूफ नहीं सबमिट करो, आप ध्यान रखो, आप रेड जोन या डेंजर जोन जो भी बोल रहे हैं आप उसमें हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की बिल्कुल कगार पे खड़ा है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी आपको जो सस्पेक्ट में है उनको मान के चलो उनकी तरफ से वो लोग ऑलमोस्ट रिजेक्ट कर चुके हैं, मतलब 50% से ऊपर चांस है रिजेक्ट कर ही चुके हैं। बस हालांकि अगर आप प्रूफ सबमिट कर दो, डॉक्यूमेंट उन तक पहुंच जाएगा तो वेरीफाई कर देंगे, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देंगे। देख लीजिए आपके सामने ये प्रूफ है। अब एक सवाल बेसिक सा है आप लोग के दिमाग में कि जैसे कि अगर मान लो आपका स्टेटस जो है सस्पेक्ट में, मान लो ये स्टेटस आपका शो हो रहा है, अब आपने सस्पेक्ट लिस्ट अपने जिले की चेक की, जो कि टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर रखी है, तो सस्पेक्ट लिस्ट आपने चेक किया, आपने आपका स्टेटस सस्पेक्ट में लेकिन उसमें नाम नहीं है, ये आप लोग के दिमाग में है, तो क्या करना है? देखो करना क्या है, उस सस्पेक्ट लिस्ट में आपका नाम हो या ना हो लेकिन आपको पता है कि आपका डेटा सस्पेक्ट में है। ये जो डेटा आप देख रहे हो यहाँ पर, अगर आपका पेंडिंग है DW के अलावा कुछ भी लिखा हुआ है रेड कलर में, इसका सिंपल सा मतलब है कि आप सस्पेक्ट में ही हो, चाहे वो सस्पेक्ट लिस्ट में आपका नाम हो या ना हो, आपको तुरंत के तुरंत आपको अपना प्रूफ डॉक्यूमेंट जो मैंने वीडियोज में बताए हैं आपको ले जाके कॉलेज में आज के आज दे दो। आज ऑलरेडी 2 तारीख हुई, काफी जिलों की डेट ऑलरेडी मैं बीत चुकी है, ये बात मैं बता चुका हूं आपको, चैनल से जो लोग जुड़े होंगे उनको पता होगा कि मऊ और आगरा ऐसे कुछ जिलों की जो डेट थी वो 27 और 28 ऐसे कुछ थी। सो 2 मार्च तक, आज 2 मार्च हो गए, तो काफी जिलों में अभी भी है चांस, तो आप लोग जमा कीजिए, आपका नाम हो या ना हो लेकिन अगर आपका सस्पेक्ट में है तो आप समझ लो रिस्क ले रहे हो आप नहीं जमा करके। अब सस्पेक्ट में लिस्ट में नाम है तो क्या करना है, जैसे मान लो आपका कुछ इस तरह से मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच है, आपने चेक किया यहाँ भी और सस्पेक्ट लिस्ट दोनों में है, आपने मैच करा लिया, हाँ है और है और नहीं है दोनों में आपको सेम ही काम करना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सस्पेक्ट लिस्ट में नाम भी है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको जो है कि 10 रुपये या 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको एक शपथ पत्र बनाना पड़ेगा। दूसरा कि जो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही होगी, जैसे मान लो अगर इसको देख लें तो ये दिख रहा है मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच, तो आपको क्या करना है, आपको मार्कशीट की पिछले ईयर की फोटो कॉपी ले जाके आपको उसी शपथ पत्र के साथ अपने कॉलेज में देनी है और कॉलेज उसको अपना आगे DW तक पहुंचा देगा, वो उनका काम है, या DW का ऑफिस के आसपास रहते हो तो आप खुद जाके भी बात कर सकते हो, लेकिन मैं ये एडवाइस नहीं करूंगा वहां जाने के लिए क्योंकि उन्होंने नोटिस के थ्रू ये चीज़ मना की है, तो ये मैं नहीं आपको करूंगा कि आप वहां जाइए। ये चीज़ हो गई। आप यहाँ पर डेट भी देखोगे यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे, तो 6 मार्च यहाँ पर डेट लिखी हुई है, देख लीजिए कि 6 मार्च तक जो है कि आप सारे अपने चीज़ें जो भी आपके अभिलेख हैं वो सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ ये जमा कर सकते हो। 2 मार्च है, अगर आप इस डेट को मानिए तो अभी भी आपके पास 4 दिन का समय है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, उम्मीद करता हूँ आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। छात्रवृत्ति भी चेक कर लीजिए, सारे लोग भेजी गई है, और आप लोग डॉक्यूमेंट प्लीज़, मैं बार बार इसीलिए बोलता रहता हूँ कि आप लोग प्रूफ वो चीज़ें सबमिट कर दीजिए अगर आपका सस्पेक्ट में है, क्योंकि गवर्नमेंट पूरे फुल मूड में है DW आपका जो है कि सस्पेक्ट करके आपका रिजेक्ट कर दिया जाए तो काफी लोगों का रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए आप अपनी तरफ से एटलीस्ट उनको मौका मत दीजिए, चांस मत दीजिए कि वो लोग आपका रिजेक्ट करें। अपनी तरफ से वो लोग जो जो बोल रहे हैं वाह भाई करना ही पड़ेगा, वो जो भी बोलेंगे, हम लोग तो स्टूडेंट हैं, सो ये सारी चीज़ें आप लोग कर लीजिए। सो चलिए गाइस, इस वाले वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह आपके लिए हेल्पफुल रही हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर जाना और वीडियो को लाइक कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।